Welcome back to my new video. My name is Kamran Ahmad. You are watching Kamran Info. You know that I'm working in Genpack as a process associate as well as I'm running YouTube channel for your support. आज के दिन बात करेंगे एक नई वैकेंसी की. उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए Genpack से रिलेटेड, इंटरव्यू, ऑनबोर्डिंग, हायरिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड मेरे चैनल पर. आप चेकआउट कर सकते हो. कोई डाउट, कोई कंसर्न हो, मुझे कॉमेंट कर सकते हो. आई विल रिप्लाई सून एज पॉसिबल. तो आज के दिन बात करेंगे नई वैकेंसी की. कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या लोकेशन, क्या प्रोफाइल रहने वाली है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं गलत. अपने CV के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं करते हैं. फिर उनकी CV शॉर्ट लिस्ट नहीं होती. फिर मुझे कमेंट्स आता कि मैंने तो अप्लाई किया था, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. तो जब भी अप्लाई करो, प्रॉपर वे में अप्लाई करो, CV अच्छी बनाओ. जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी CV होनी चाहिए. उसमें आपकी स्किल्स मेंशन होने चाहिए, इंटरेस्ट मेंशन होने चाहिए, अच्छा सा ऑब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक प्रोफाइल के लिए हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं. तो आगे की बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रोफाइल है, क्या लोकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो. आज के टाइम बात करेंगे पांच वैकेंसी की. पांचों वैकेंसी Genpack से होने वाली. मेरा रेफरल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी लोकेशन के लिए होने वाली है और क्या प्रोफाइल, क्या डेजिग्नेशन होने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो पहली वैकेंसी की बात करें तो स्क्रीन पर देख सकते हो डेजिग्नेशन होने वाली है प्रोसेस डेवलपर की. अगर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की प्रोफाइल है. अब लोकेशन की बात कर लेते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो लोकेशन गुड़गांव लोकेशन के लिए ये प्रोफाइल होने वाली है. अब बात करें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको हर एक चीज़ चेक करना है. उससे पहले बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस प्रोफाइल के लिए. तो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है BCom. अगर आपने फाइनेंस बैकग्राउंड से किया या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो तो अप्लाई कर सकते हो. अगर फ्रेशर हो तो यहाँ फ्रेशर भी एलिजिबल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो. स्ट्रॉन्ग एक्सेल स्किल आपकी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, हाईली प्रोएक्टिव इन अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो हमारी दूसरी वैकेंसी होने वाली है ये भी Genpack की तरफ से प्रोसेस एसोसिएट की ये वैकेंसी है. अगर प्रोफाइल की बात करें तो AP अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल होने वाली है. अगर डेजिग्नेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोसेस एसोसिएट. अगर आप लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता लोकेशन होने वाली है. अगर जो लोग भी कोलकाता के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो. इस प्रोफाइल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रेजुएट इन कॉमर्स BCom की, तो अप्लाई कर सकते हो आप. फ्रेशर आर एलिजिबल. अगर आप फ्रेशर हो तो भी इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. एक्सेलेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल रिक्वायर्ड है. वर्बल प्लस रिटन आपकी होनी चाहिए. रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन कॉस्ट मॉडल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, तो भी अप्लाई कर सकते हो. आपका CV शॉर्ट लिस्ट जल्दी हो जाएगी. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लास्ट में देखेंगे. तीसरी वैकेंसी की बात करें तो स्क्रीन पर देख सकते हो डेजिग्नेशन ये भी प्रोसेस एसोसिएट की होने वाली. प्रोफाइल यहाँ पर अलग है, O2CA ऑर्डर टू कैश की प्रोफाइल होने वाली है. लोकेशन की बात करें तो ये भी कोलकाता लोकेशन के लिए ये प्रोफाइल होने वाली है. कोलकाता वाले ज़रूर अप्लाई करना. अगर हम बात करें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी ग्रेजुएट इन कॉमर्स. अगर आपने BCom किया तो अप्लाई कर सकते हो. फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो. स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल वर्बल प्लस रिटन यहाँ पर रिक्वायर्ड है. सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपका CV जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा. चौथे नंबर की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे पोजीशन है. अगर प्रोफाइल की बात करें तो O2C ऑर्डर टू कैश यहाँ पर है. अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये प्रोफाइल होने वाली हैदराबाद लोकेशन के लिए. अब बात करें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस प्रोफाइल के लिए, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन BCom ग्रेजुएट अगर आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो. एक्सेलेंट आपका रिकंसलेशन स्किल होनी चाहिए. अकाउंटिंग में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. रिपोर्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए. इन सबका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए. प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन CA, अगर आपने CA किया है, CA इंटर हो, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस हो जनरल लेजर का, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, आपकी CV जल्दी शॉर्टलिस्ट होगी. बात करें लास्ट प्रोफाइल की, लास्ट वैकेंसी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की
डिजिग्नेशन होने वाला है और प्रोफाइल है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट R2R की प्रोफाइल होने वाली है, लोकेशन होने वाली हैदराबाद। अब बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन BCom ग्रेजुएट, एक्सेलेंट रिकंसिलेशन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन CA इंटर डिग्री, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन जनरल लेजर। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने CA किया है, CA इंटर किया है, तो प्रेफरेंस मिलेगा, आपका CV जल्दी शॉर्ट लिस्ट होगा एज़ कम्पेयर BCom ग्रेजुएट। अब बात कर लेते हैं इन सारी प्रोफाइल की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कैसे अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल मैंने सबकी पांचों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अकॉर्डिंग टू योर CV, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कैसे अप्लाई करना है। छोटा सा फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म में अपनी आपकी नॉर्मल सी डिटेल लाइक फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी एंड CV अपलोड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जाओ अप्लाई करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।